नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अहमद शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में मैं चेंज करने वाला हूँ एक्सेलरेटर वायर मारुति 800 का। तो वो ये एक्सेलरेटर वायर है जिसे मैं चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि वायर जो है ऑलमोस्ट अपनी लिमिट पे है। इसके बाद जो अगर वो लूज़ होता है तो फिर जो गाड़ी जो है आरपीएम स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि जो 800 में आरपीएम की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। तो चलिए मैं आपको इसका एक्सेलेटर वायर चेंज करके दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है कार का एयर फिल्टर खोलेंगे। तो सबसे पहले हम एयर फिल्टर खोल लेते हैं। एयर फिल्टर खुल गया है, फिर इसको यहाँ से लूज़ करेंगे तो ये यहाँ से खुल जाएगा। और फिर इसका ये यहाँ से छुड़ाएंगे, फिर अंदर से छुड़ाएंगे इसका तार। तो सबसे पहले हम इसको जो है लूज़ कर लेते हैं। ये लूज़ हो गया तो हम इसको यहाँ से अब तार जो है वो हम छुड़ा देंगे यहाँ से। ये इंजन जो है डीकार्बोनाइज करने को खोज रहा है, जिसको बाद में डीकार्बोनाइज भी करेंगे। तो अब इसको अंदर से इसकी जो वायर है वो निकाल लेते हैं, फिर इसको चेंज करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे एक इसकी दूसरी वायर लगी हुई है, तो हम इसमें से इसको छटका देंगे। ये निकल चुका है अब, और फिर जहाँ उसका कपलर फंसा हुआ है फिर हम उसको भी निकाल देंगे। तो ये जो है अब निकल जाएगा उधर से। अब जो है हम नया वायर जो है यहाँ से अंदर डालेंगे। जैसे छेद आप देख सकते हैं, सिर्फ बड़ को निकाल दें। तो यहाँ पे एक्सेलेटर वायर मैंने अभी सिर्फ फंसा दिया है, और फिर अब अंदर फंसा के इंजन स्टार्ट करके फिर इसको आइडलिंग पे सेट करते हैं।
ये एक्सेलेटर वायर जो है इंस्टॉल हो चुका है अंदर से भी और बाहर से भी। तो गाड़ी में एक्सेलेटर वायर मैंने लगा दिया है, अब गाड़ी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब इंजन जो है पहले से अब रेस है नए वायर की वजह से, अब इस पे जो है हम एसी भी चला सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अब कार में जो है एसी मैंने चला दिया है, एसी ऑन हो गया है मेरा। तो अब ये है कि ट्रैफिक, अब ये है कि मुझे ट्रैफिक में ज़्यादा देर जो है गर्मी में एसी बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।